रेस्क्यू 1122 में मुबैना करप्शन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दाखला को रिपोर्ट्स समेत 27 सितंबर को पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखला को इस्लामाबाद से हुक्मनामा मिल गया। डीजी रिजवान नसीर की मुबैना करप्शन की दरखास्त भी जस्टिस साकिब निसार को मौसूल। मारे आप ही चलाए, पानी पीने पर चोर बना दिया। शाहरा फैक्ट्री के बाहर से पानी पीना जुर्म बन गया। फैक्ट्री मालिक ने पानी पीने पर माजूर पर बेईमाना तशद्दुद कर डाला। नवीद नामी नौजवान को बरहना करके पाइप मारता रहा। तशद्दुद के बाद चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना शाहरा टाउन पुलिस का नौजवान को चोर मारने से इनकार। पंजाब हुकूमत के इंतजामी ओहदों पर अहम तकर्रियां, सीनियर कानूनदान अहमद अवैस को एडवोकेट जनरल पंजाब लगा दिया गया। फजील असगर को सेक्रेटरी दाखला पंजाब तैनात किया गया। बरादरी का सबसे बड़ा इंतखाब, लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार मध्य मुकाबल, पीएफ फाउंडर्स अलायंस और बिजनेसमैन फ्रंट में कांटेदार मुकाबला। पिछली हुकूमत ने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की गलत पॉलिसी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो गई। हुकूमत कारोबारी अफराद के मसाइल हल करेगी। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन लाहौर चैंबर के इलेक्शन में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का बिल लाने के लिए मान गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वजीर सेहत से मुजाकरात कामयाब। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कल से लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों के आउटडोर्स खुलेंगे। वजीर सेहत की यकीन दहानी पर मुतमईन है वाइटे। मरीजों को परेशान के बगैर मुतलिका फॉरम्स पर एहतजाज करना चाहिए। यास्मीन राशिद। यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी, हड़ताल से मरीजों के साथ आए लवाकीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ओपीडी बंद होने पर लवाहकीन का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। दूर दराज से आए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं मुजाहिरीन। सर्विसेज हॉस्पिटल में भी मुजाहरा। मरीजों के लवाहकीन की यंग डॉक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर हाई कोर्ट ने अंदरून शहर से तजावजात मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया। अंदरून शहर फाटा की तरह बन चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा। डीजी वॉल सिटी कामरान लशारी, रियासत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, आप अदालती हुक्म पर अमल करें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी, अदालत ने 27 सितंबर को अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। एक गाड़ी को धोने पर 400 लीटर पानी जाया होता है, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर्विस स्टेशन पर पानी के जया के केस में अदालत के रिमार्क्स। पंजाब साफ पानी कंपनी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, 96,93,37,000 रुपए की बेजाब्तियों का इंकशाफ। कंसल्टेंसी कंपनी को काम मुकम्मल किए बगैर 44,64,00,000 रुपए अदा किए। 84 प्लांट्स की तनसीबात के दौरान 14,97,00,000 की अदायगियां। पाबंदी के बावजूद वुजरा अरकीन असम्बली और अफसरान के दौरों के लिए 47,30,000 रुपए की गाड़ियां खरीदी गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। बगावत केस के लिए दरख्वास्त पर समाअत, हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 8 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सहाफी सिरल अल्मेडा का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म, अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी पेश। बेगम कुलसुम नवाज की वफात पर लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं, चेहलम के बाद की तारीख दे दें। वकील नवाज शरीफ, ठीक है मुकदमे को 8 अक्टूबर को सुन लेते हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी।
हेलमेट पहनो वरना चालान भरो। कार्रवाई का आगाज, हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल सवारों का मॉल रोड पर दाखिला ममनू। खिलाफ वर्जी पर 200 से 700 रुपए तक चालान होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया था। अदालती अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक। मॉल रोड पर वार्डन्स की नफरी भी बढ़ा दी गई। जीपीओ चौक में हेलमेट ना पहनने पर पुलिस कांस्टेबल का भी चालान कर दिया गया। अदालती अहकाम पर मनोन अमल करवाया जाएगा। सीटीओ भारत की आती जा रही है। तरावी, सतलुज और चनाब में पानी छोड़ दिया। बड़ा सैलाबी रेड़ा लाहौर की तरफ से बढ़ने लगा तो ज्ञानी का खदशा। फ्लड वार्निंग जारी। रावी के किनारे मुकीम अफराद को मोहतात रहने की हिदायत। दरिया रावी में पानी का बहाव 35,000 क्यूसेक है, जो बढ़कर 75,000 क्यूसेक तक जा सकता है। लाहौर शहर और इर्द गिर्द के इलाकों को कोई खतरा नहीं। कमिश्नर लाहौर। हुकूमत पंजाब का घरेलू मुलाजमीन के बारे में बड़ा फैसला। घरेलू मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टी को लाजिम करार देने के लिए कानून साजी का फैसला। कम अज कम तनख्वाह के हुकूमती फैसले पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की मजंग में खुली कचहरी, आवाम के मसाइल सुने। वजीर सनअत और तजारत ने आवामी मसाइल के हल के लिए मौके पर ही इकदाम जारी किए। एफबीआर ने लंबी कमाइयां करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और इकबाल टाउन के 60 गैर रजिस्टर्ड होटल्स रेस्टोरेंट्स को नोटिसेस जारी। खानों के रेट्स और मुलाजमीन की फहरिस्तें हासिल कर ली। जराए नेशनल मैनेजमेंट कोर्स में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान के 59 रुकनी वफ सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब सजाद हसन मंज ने वफ को पंजाब पुलिस के ऑपरेशनल तरीकाकार और जदीद प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी आयशा मुमताज समेत 9 गवाहान के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 6 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। तमाम गवाहान तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए थे। इंसानी सेहत से खेलने वाले बास न आए। शहरियों को नाकिस खुराक बेचने वाले 146 नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग, 2 नाश्ता पॉइंट सील। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप, 31 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। खिलाड़ियों को 25 सितंबर को नेशनल हॉकी स्टेडियम में रिपोर्ट करने की हिदायत।